इस वक्त चुनाव की सबसे बड़ी खबर, मनोज चौहान ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल करवा दिया है। जी हां, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मनोज चौहान ने रिटर्निंग अधिकारी को अपना नामांकन पत्र दाखिल करवा दिया है। यहां पर मनोज चौहान अपनी दो जुड़वा बेटियों अवि और अभी के साथ में यहां पर पहुंचे हैं और उन दोनों बेटियों के साथ में उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल करवाया है। आपको बता दें कि निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा मनोज चौहान पहले कर चुके थे। परशुराम भवन में बैठक आयोजित कर समर्थकों की राय पर चुनाव लड़ने का फैसला मनोज चौहान ने किया था और उसके बाद निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में यहां पर मनोज चौहान चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। और लेकिन यहां पर सवाल बड़ा है कि क्या कांग्रेस पार्टी को मनोज चौहान नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आज गिब्सन हॉस्टल से मनोज चौहान ने रैली का आयोजन किया। भारी समर्थकों के बीच में उत्साह के साथ में रैली के रूप में मनोज चौहान चुनाव कार्यालय पहुंचे और रिटर्निंग अधिकारी को अपना नामांकन पत्र सौंपा। तो ऐसे में आपको बता दें कि कांग्रेस में जो टिकट वितरण किया गया था उसके चलते मनोज चौहान नाराज चल रहे थे और इसी के चलते उन्होंने परशुराम भवन में बैठक का आयोजन किया और बैठक के पश्चात निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी और यही कारण है कि आज मनोज चौहान ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करवा दिया है। मैं ब्यावर की आम जनता के उस हर मुद्दे के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ जो उनकी आवश्यकता है। इस ब्यावर शहर के विकास के लिए जो चीज अवश्यम भी है, जो जरूरत है, उसके लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। ब्यावर को जिन चीजों से वंचित रखा गया है, ब्यावर का जो हक मारा गया है, मैं उसके लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं हर जो कार्यकर्ता का हक मारा गया है, मैं उसके लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। ये बगावती तेवर नहीं है, ये लोकतंत्र है। कांग्रेस लोकतंत्र की जननी रही है, वहीं सिखाया गई जी। यदि पार्टी चुनने में गलती करती है तो कार्यकर्ताओं को और मतदाताओं को अधिकार है कि उनकी भूल सुधार कर उन्हें वापस बताया जाए। उसी पार्टी के आगा को आप भगवान मानते हैं, गहलोत साहब को आप ऐसी बात करते हैं और आज उसी पार्टी के खिलाफ ऐसे तेवर। भगवान से यदि हम नाराज होते तो भगवान के, मैं आज भी इसमें भगवान के बातचीत धोख देता हूँ। मेरे बहुत जन जानते हैं लड़ाई चल रही है, वैसे ही उन भगवान से भी लड़ाई है। मेरे कार्यकर्ताओं ने मुझसे लड़ने के लिए कहा और मैं 24/7 फील्ड में रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई आवेशित होके या किसी बगावती तेवर जैसे आप कह रहे, वैसा नहीं। मैं कार्यकर्ताओं की डिमांड पर चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं उनके साथ रहता हूँ। पूर्णतः आश्वस्त हूँ कि मैं चुनाव जीतूंगा, तो किसी के आने की मनाने की जरूरत ही नहीं। उनको पता है कि ये भाई इसको कार्यकर्ता लड़ा रहे, तो इसको कहने से कोई फायदा नहीं। मैं तो कह रहा हूँ वो हर चीज़ जो ब्यावर को आवश्यकता है उसके लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। वो हर कार्यकर्ता जिसको नेग्लेक्ट किया गया है मैं उसके लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। वो हर चीज़ जो अवश्यंभी है और होनी चाहिए थी और नहीं हुई है उसके लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो जो भी चीज़ आवश्यकता है ब्यावर के लिए, वही मेरा मुद्दा है।